Students, this is a topic of 6th class. We were discussing about the Mesopotamian cities. So the topic is town planning. Ki town ki planning Mesopotamian cities ki kaisi thi? A large number of cities existed in Mesopotamia. Many Mesopotamian cities have been excavated so far. Bahut sari cities aayi, bahut bani. Inme se main thi Eridu, Kesh, Uruku aur Lagash. Uruku was the largest city. It was divided into three parts. Urku sabse badi thi, Uruk. Aur iske teen hisse the. The sacred area, the valid city and the outer town. Jo sacred area aapse word hai ke matlab sacred matlab pavitr. The sacred area had a tower known as Jagurat. Iske tower tha jiska naam tha Jagurat. On the top of the Jagurat there was a temple. उसके ऊपर एक टेंपल था उसके टॉप पे डेडिकेटेड टू द गॉड ऑफ सिटी जिसे हम सिटी का भगवान कहते थे. एवरी मेसोपोटामियन सिटी हैड इट्स ओन गॉड. हर मेसोपोटामियन सिटी का अपना ही एक देवता था. ऑफिसेस एंड स्टोर हाउसेस आर आल्सो बिल्ट इन द सेक्रेड एरिया. जो ये सेक्रेड एरिया था इसको सेक्रेड एरिया इसलिए कहा गया बेटा बिकॉज यहाँ पे टाउन्स थे और टेम्पल्स थे और उन टेम्पल्स में क्या थे भगवान की मूर्ति थी और इसीलिए इसको सेक्रेड कहा गया. यहाँ पे ऑफिसेस भी थे और स्टोर हाउस भी थे. वैलेड सिटी द वैलेड सिटी वॉज सिचुएटेड ऑन द माउंट. माउंट मतलब थोड़ा सा एलिवेटेड लैंड थोड़ी सी ऊंचाई पे और ये एक रेजिडेंशियल एरिया था. आउटर टाउन इज आल्सो यूज फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज रहने के लिए था. ईच हाउस होल्ड हैड रूम्स अराउंड अ सर्टन कोर्ट यार्ड. थोड़े से कोर्ट यार्ड में बहुत सारे रूम्स थे ठीक है. हर हाउस होल्ड में कमरे बनाए गए थे. आगे प्रोसीड करेंगे राजे. ये देखो जगरात एट यू आर वॉज डेडिकेटेड टू द मून गॉड. ये जगरात में मून गॉड जो था गॉड को उन्होंने मून को गॉड चंद्र को देवता बनाया अपना जिसको नाना का नाम दिया उन्होंने. रिलीजियस बिलीफ द रिलीजन डोमिनेटेड द मेसोपोटामियन सोसाइटी. रिलीजन बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस पे था. धर्म मैनी गॉड एंड गॉडेसेस वर वर्शिप. बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी. नेचुरल फोर्सेस जैसे स्टार्स मून सन रेन इसकी भी वर्शिप की जाती थी पूजा की जाती थी. जैसे बारिश का देवता हो गया चंद्र देवता हो गया सूर्य देवता हो गया स्टार्स हो गए तारे हो गए. द प्रीस्ट इंजॉयड द रिस्पेक्टेबल पोजीशन. पुजारियों की बहुत ही अच्छी पोजीशन थी बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती थी. मेसोपोटामियंस बिल्ट मैनी टेम्पल्स. बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे. अपार्ट फ्रॉम प्रेइंग्स दीज टेम्पल्स वर यूज्ड एज ए स्कूल्स एंड ट्रेडिंग सेंटर्स. वहाँ पे प्रेइंग भी होती थी प्रार्थनाएं होती थी और इसका द्वारा टेम्पल्स का इस्तेमाल करते थे स्कूल्स के लिए और व्यापार करने के लिए. Mesopotamians put articles of daily use जैसे कि जो डेली यूज में आपका सामान यूज होता है यूटेंसिल्स बर्तन सिंपल हाउस होल्ड आइटम्स इन द ग्रेव्स. तो ये सारी चीज़ें जो तो घर में जो यूज़ होने वाली ये वहाँ पर रखी जाती थी. दिस सुजेस्ट दैट दे बिलीव्ड इन आफ्टर दैट. इन ग्रेव्स का मतलब बोला क्या कब्र. इसका मतलब क्या था ये इसका मतलब बनता है कि दे बिलीव्ड इन द लाइफ आफ्टर डेथ. वो कहते थे डेथ के बाद भी मरने के बाद भी जिंदगी होती है एक. दे थॉट दैट द डेड वुड नीड These things in their afterlife. वो कहते थे कि मरने के बाद भी ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक मरे हुए इंसान को. Many such articles have been found in the excavated graves. कुछ चीज़ें जो थी आर्टिकल्स जो थी जो कब्रों में लोग दबा दिए जाते थे उनके पास कुछ आर्टिकल्स जो थे पाए जाते थे. कईयों के हाथ में एक सिक्का दे दिया जाता था कईयों के ज्वेलरी डाल दी जाती थी कि उनको लगता था ये चीज़ें इनके मरने के बाद भी काम आएगी. सोसाइटी द मेसोपोटामियन सोसाइटी हैज़ डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस. अपर क्लास मिडिल क्लास एंड लो क्लास एंड स्लेव. स्लेव्स मतलब होते हैं गुलाम. द किंग द प्रीस्ट द हायर ऑफिशियल्स एंड राइटर्स बिलोंग टू द अपर क्लास. जितने भी जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग होते हैं VIPs होते हैं एरिस्टोक्रेट्स होते हैं वो अपर क्लास में बिलोंग करते थे. द किंग वॉज वेरी पावरफुल. राजा सबसे पावरफुल होता था. उसके पास चीफ प्रीस्ट होता था उसका पुजारी होता था अपना. ही परफॉर्म्ड रिलीजियस राइट्स एंड सेक्रीफाइसेस. वो उसके लिए यज्ञ करता था कई तरह के वो बलियाँ देता था. द मिडल क्लास इंक्लूडेड. जो मिडल क्लास थी उसमें फार्मर आ गए आर्टिशंस आ गए व्यापारी आ गए और जो स्लेव्स थे वो क्या थे लोअर कास्ट जो गुलाम थे जो दास थे जो सेवा करते थे. पोजिशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. वुमेन इंजॉयड ए ग्रेट फ्रीडम. औरत को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी. दे कुड
ओन प्रॉपर्टी, उनकी खुद की प्रॉपर्टी हो सकती थी. दे होल्ड हाई पोजीशन इन द सोसाइटी एंड वर रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन. उनकी सोसाइटी में बड़ी अच्छी हाई पोजीशन होती थी और सभी लोग उनका आदर करते थे. ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब वो काम क्या करते थे, व्यापार क्या था. फार्मिंग उनका चीफ ऑक्यूपेशन है मेसोपोटामियंस का, जैसे हमारे पंजाब में फार्मिंग है. द फार्मर्स ग्रू व्हीट, बार्ले, डेट्स, कॉर्न, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सारी फसलें जो थी वो उगाई जाती थी. द क्रेडिट ऑफ द इन्वेंटिंग द व्हील गोज टू मेसोपोटामियंस. मेसोपोटामियंस थे जिन्होंने व्हील्स का आविष्कार किया था. व्हील का आविष्कार किसके लिए, किसका यूज़ करते हैं हम, कल्टिवेटिंग करने के लिए. देवर ऑल्सो फर्स्ट मेड टू द ग्लासवेयर, और ग्लासवेयर बनाने में भी सबसे पहले कौन थे, मेसोपोटामियन. बेटा टुडेज टॉपिक इज अप टू दैट वन. आई विल गिव यू द असाइनमेंट दैट विल बी अपलोडेड टुमारो, एंड जस्ट सी द वीडियो एंड गो थ्रू द विजन. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.